नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है शांति स्वरूप बोध जी, जो कि किसी नाम और परिचय के मुताज नहीं है। सर, सावन का महीना आ चुका है और लोग कावड़ पे जाने लगे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसमें कावड़ लेने डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS क्यों नहीं जाते हैं, और कावड़ लेने जाने वालों में से संख्या ज़्यादा किन की है? ये कौन लोग हैं जो कावड़ लेने जाते हैं, और कावड़ लेने के फ़ायदे क्या होते हैं? वाह वाह वाह, कांवड़ और फायदा। ऐसा है बेटे, ये कांवड़ ले जाने की जो परंपरा है जी, ये सारे देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बिहार में किसी और नाम से किसी और देवता पर जाते हैं, बंगाल में किसी और नाम से किसी और जाते हैं, आपका जो पंडरपुर है महाराष्ट्र में वहाँ पर भी जाते हैं, उनको करवरी कहते हैं। तो ये बहुत सारे हैं, जगह जगह इन्होंने अपने लोगों को लूटने के और उनको धार्मिक अंधविश्वासों की जकड़न में जकड़ने के माया जाल फैला रखे हैं। अब ये दिल्ली में कांवड़ मैंने देखा था जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो कोई कोई आदमी अपने कंधे पर ये रख कर आता था अक्सर। तो हमने पूछा, जिज्ञासा हुई, ये कौन है? तो लोग कहते थे कांवड़ है, तो मतलब बहुत कम संख्या होती थी। तो पता ये चला कि ये लोग छत्तीसगढ़ के चमार हैं, छतरपुर, ये आपका बुंदेलखंड में, नहीं महरौली नहीं जी, जिला छतरपुर में जो वहाँ के चमार हैं, वो उनके यहाँ एक परंपरा है कि वो हरिद्वार आते हैं और वहाँ से जल लेकर, गंगा जल लेकर के, और फिर फला दिन वो वहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और इनसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये जो मनोकामना पूरी होती है, ये इतना बड़ा हथियार है आदमी को मूंढने का, आदमी को लूटने का, उसकी धन संपत्ति पर हाथ साफ करने का, कि इससे बढ़िया उदाहरण आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैं अपने कांवड़ ले जाने वाले बहुत सारे लोगों से पूछा, और इसमें कोई दो राय नहीं है बेटे, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता इनमें, और कोई पढ़ा लिखा कोई मिलेगा भी तो वो मिलेगा जो एक एजेंट है इन लोगों को बहकाने के लिए, कि देख मैं पढ़ा लिखा होकर के जा रहा हूँ तो तुझे क्या शर्म है, वो भी एक षड्यंत्र है। तो ये जो लोग वहाँ जाते हैं कांवड़ लेकर के जाते हैं, मैं एक बात उनसे कहता हूँ, वो कहते हैं बड़ी मन्नत पूरी होती है। मैंने यार मैं भी चलूँगा, पर मैं तुम्हारी तरह मन्नत नहीं मांगूँगा, मुझे तो चेक चाहिए। जो कृपा होती है वो चेक के रूप में मिले, ड्राफ्ट के रूप में मिले, मनी ऑर्डर के रूप में मिले, या बैंक में ट्रांजैक्शन हो जाए। ये खाली झांसों में हम आने वाले नहीं हैं, तो वहाँ से मिलता कुछ नहीं। लोगों को एक दिमाग में एक वहम डाल दिया गया, और उस वहम का आधार कुछ नहीं है। कुछ शातिर लोग जो धर्म को आधार बना के जनता को लूटने में बहुत तेज हैं, वो ये भोले भाले लोग एक तो वैसे ही गरीबी के मारे हुए हैं, अपने कुसंस्कारों के मारे हुए हैं। कुसंस्कार क्या हैं? दारू पीना, शराब, स्मैक पीना, चरस पीना, भंग पीना, आपस में मिलकर नहीं रहना, प्रेम भाव से नहीं रहना, और उल्टे सीधे काम करना, वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मरे हुए को और मार दिया, वो एक बरकत का एक झांसा दे करके उनसे और लूट लेते हैं। ये लोग बड़े अनजान लोग हैं जब ये जाते हैं ना कांवड़ पर। हालांकि वहाँ कांवड़ पर कोई खर्च ज़्यादा होता नहीं है, मगर कई लोग खर्च अपना ही करेंगे, कर्जा ले लेकर जाते हैं और फिर अगले साल के कांवड़ के इंतज़ार में रहते हैं। मैं बहुत सारे कांवड़ियों को जानता हूँ जो अब भूतपूर्व हो गए, अब कांवड़ ले कर नहीं जाते, अब वो कहते हैं यार बगैर मतलब के हम तो लूट रहे थे, अब हमें सही रास्ता मिल गया है, उससे मुक्ति पाई, मिलता कुछ नहीं है, और अपने घर का लगा के और आ जाते हैं। देखिए, पढ़ा लिखा इसलिए नहीं जाता बेटे, IAS IPS जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, अपना भला बुरा जानते हैं, तो वो क्यों जाएंगे वहाँ। बात ये है कि बेशक जो IAS IPS नहीं भी हैं, मगर वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो भी नहीं जाते ना। ये सारे अंधविश्वास हमारे लोगों के लिए ही हैं, क्योंकि इन्हीं का भविष्य उन्हें साफ करना है। मगर अब हमारे लोगों को बात समझ में ना आवे, तो मैं एक बात कहता हूँ अक्सर अपनी पब्लिक मीटिंगों में भी कहता हूँ कि देखो भाई, हमारी मिसिज है ना, ये जब वहाँ बुटीक कहते हैं ना जहाँ कपड़े सिलते हैं, वहाँ जब जाती है तो एक दिन जाएगी अपना मेजरमेंट दे के आ जाएगी, और उसके बाद कई बार जाएगी अपनी फिटिंग के लिए, भाई यहाँ से ये
टाइट हो गया, यहाँ से ये बाजू ढीली हो गई, इसको ठीक करो, 6 बार जाएगी। मगर हमारी समझ में ये नहीं आता, इन कांवड़ियों के किसी के समझ में ये नहीं आता कि वो जो माता मैया है जिसके 12 हाथ हैं उसका ब्लाउज कौन सुनता होगा, सीधी सी बात है ना। मगर नहीं, अकल का तो दूर दूर का वास्ता नहीं है, अकल का अगर इनको वास्ता होता तो अपनी जवानी में अपने माँ बाप की सेवा करते, अपनी जवानी में अपने समाज की सेवा करते, अपनी जवानी में अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए कुछ कमा के रखते। मगर नहीं, ये आलसी लोग हैं। जो आलसी लोग होते हैं वो झूठे जासों में आते हैं, वो बरकत पूरी हो या ना हो मगर 10-15 दिन के लिए यात्रा के नाम। और देखो सरकार को देखो, सरकार कितना अखबारों में महिमा मंडित कर रही है, टेलीविज़न पर उनको महिमा मंडित कर रही है, जगह जगह उनके स्वागत में। वो दामाद की सेवा नहीं होती जैसे इनकी सेवा के लिए जगह जगह उन्होंने पंडाल लगा रखे हैं, जगह जगह उनको फ्री का भोजन मिल रहा है और पता नहीं क्या क्या मिलता है, पता नहीं लोग क्या क्या बताते हैं, फोटो आते हैं दुराचार कर रहे हैं, फोटो आते हैं नशा कर रहे हैं, फोटो आते हैं इन दलितों को दूसरी जाति के जो कांवड़िए हैं वो उनको लताड़ रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। मगर जाएंगे ज़रूर, क्यों जाएंगे, क्योंकि दिमाग में बरक्कत घुसी हुई है। वो ऐसे बरक्कत है उसे बकांड प्रत्याशा कहते हैं संस्कृत में, जो मिलता कुछ नहीं मगर घर के अपनी गांठ का भी चला जाता है। तो ये बेचारे भ्रमित लोग हैं, ये अपने अकल के दुश्मन लोग हैं जो वहाँ जाते हैं, पढ़े लिखे क्यों जाएंगे। IAS देश पर हुकूमत करने के लिए IAS बनता है ना, बेवकूफ़ बनने के लिए थोड़ी वो IAS बनता है, वो अकल से काम लेते हैं। इसलिए IAS नहीं जाएगा, कोई अधिकारी नहीं जाएगा और कोई स्वर्ण भी नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ण ये मायाजाल इन्हीं लोगों को लूटने के लिए बनाया है। कितने कांवड़ बिकते हैं, कितने रास्ते में फल फ्रूट बिकते हैं, कितने ये बिकते हैं, कितना वो बिकता है, तो सारा पैसा इन कांवड़ियों के घर में थोड़ी आता है, वो सारा पैसा लूट जिन्होंने ये प्रथा शुरू की है उनके घरों में जाता है। तो आज हमारे समाज को ये चाहिए कि वो जिन बच्चों को उन लोगों ने कांवड़ पे ले जाने लायक बना दिया, उनसे बात करके उन्हें समझा के कांवड़ का ऑपरेशन करके दिखाना चाहिए कि कांवड़ जाने से कुछ नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है वो बगैर कांवड़ के भी मिलता है। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन गए, बाबा साहब ने बगैर तलवार के अपनी कलम की नोक के बल पर इतने सारे करोड़ों लोगों की जिंदगी का रूट बदल दिया। क्या कांवड़ लेकर गए थे वो? नहीं, वो कांवड़ लेकर नहीं गए थे। हमारे संत रैदास भी कांवड़ लेकर नहीं गए थे, कबीर साहब भी कांवड़ लेकर नहीं गए थे, भोले साहब भी कांवड़ लेकर के नहीं गए थे। उन्होंने अकल का आंदोलन चलाया था और आज भी अकल के आंदोलन की ज़रूरत है, कांवड़ की ज़रूरत नहीं है। ये कांवड़ का संस्कार जन विरोधी है, ये कांवड़ का संस्कार बहुजन विरोधी है। हमें इसका खुलकर खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए और इससे बचकर रहना चाहिए। धन्यवाद बेटे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।